आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 2 बार वीडियो मतलब बहुत कुछ कुछ बोला एंड देन मैंने रियलाइज किया कि कैमरा दोनों बार में ही स्टार्ट नहीं था. इंसान एक बार गलती करता है, मैं 2 बार गलती करती हूँ, हम तीसरी बार फिर स्टार्ट करेंगे, बट इस बार चेक करेंगे कि कैमरा ऑन है या नहीं. सो कैमरा ऑन है. ओके हेलो एवरीवन, विशाली है, वेलकम बैक टू माय चैनल. सो गाइस, डिस्क्लेमर ये है कि अगर आपको पीछे नॉइस आ रहा है सो इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज मैं अपने घर पे सबको बोल सकती हूँ शांत रहो, काम मत करो, ये करो वो करो, है ना, बट हम बाहर के लोगों को ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं. सो हमारे घर के पास चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम एंड अब मैं उन्हें नहीं बोल सकती कि मुझे वीडियो शूट करना है एंड आप शोर ना मचाए. ओके, बिकॉज वो भी अपना काम कर रहे हैं, मुझे भी अपना काम करना है. ओके सो वीडियो पर आते हैं. सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रैंडम मीशो हॉल. रैंडम क्यों? बिकॉज मैंने पता नहीं क्या क्या पिक किया है, बस वही उठा के मैं शेयर करने वाली हूँ, बिकॉज कोई एक पर्टिकुलर आइटम मैंने चूज नहीं किया. गाइज, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मीशो ऐप का लिंक दिया है, वहां से आपको इसको डाउनलोड करना है एंड जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे रेफरल कोड देख रहे हो वो आपको यूज करना है डाउनलोड करने के बाद में, तो आपको मिलेगा 30% डिस्काउंट या फिर 100% का ऑफ आपके फर्स्ट ऑर्डर पे. गाइज, इससे पहले भी मैं 2 मीशो हॉल आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें फर्स्ट में मैंने आप लोगों के साथ क्लॉथिंग हॉल शेयर किया था एंड सेकंड मैंने बेडशीट हॉल शेयर किया था. सो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आई बॉल पे तो मिल जाएगा. एंड गाइज, मैंने ज्वेलरी हॉल भी शेयर किया था. हाउ कैन आई फॉरगेट? ओके, तो बिकॉज मैंने ज्वेलरी वगैरह कुछ ज्यादा पहनी नहीं ना, तो मैं शायद भूल गई. ठीक है, ज्वेलरी हॉल भी शेयर किया था. सो वो भी नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज आई बॉल पे मिल जाएगा. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. वैसे अपनी सारी वीडियोस में बोला है बट फिर से रिपीट कर देती हूँ, मे बी अगर कुछ नई जनता बैठी हो हमारे सामने, है ना, देख रही हो. सो वहां पे मीशो, अगर आपको नहीं पता है तो मीशो जो ऐप है वहां पे परचेज लिंक नहीं होती है, वहां पे कोड होते हैं. तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे कोड दे दूंगी हर प्रोडक्ट का, अदरवाइज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर चीज मिल जाएगी. सो डोंट वरी अगर आपको स्क्रीन पे कुछ नहीं मिल रहा है, बिकॉज एडिटिंग के टाइम पे हम भी यार इंसान है, हम भूल जाते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने लिया था वो सबसे पहला ये प्रोडक्ट नहीं है, सबसे पहले मैंने कुछ और लिया था. सबसे पहले मतलब मेरा मीशो का सबसे 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 जो पहले मैंने लिया था वो कुछ और है, वो हम बाद में बताएंगे. ठीक है, सो सेकंड जो प्रोडक्ट मैंने लिया था वो है 25 का सेट पूरा मेकअप ब्रशेस, एंड इसको मैंने बहुत ही पहले लिया था, आई गेस 3-4 महीने पहले ये लिए थे एंड यू डोंट वांट टू बिलीव कि मैंने अभी तक शेयर ही नहीं किया है. गाइस, आई डोंट नो कि मुझे आज क्या हो गया है, सो झेल लेना थोड़ा मुझे. ओके, सो मैंने 24 का पूरा मेकअप ब्रशेस का सेट लिया था. इसमें काफी सारे ऑप्शंस थे, सो मैंने जो चूज किया वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा फोटो. एंड मुझे ना गाइज यही ब्रश मिले हैं, कुछ मैंने जैसे वॉश किए थे तो मैंने किधर रखे मालूम नहीं, कुछ मैंने यूज ही नहीं करे, सो ठीक है मुझे मिल नहीं रहे थे. बट मैं आपको उसका क्लिप यहाँ पे इधर इधर दिखा दूंगी कि कैसे दिख रहे हैं, क्या क्या है. ठीक है, इनका प्राइस है 395 रुपीज. ठीक है, एंड इसमें आपको 24 का सेट मिल रहा है. माइंड मत करना मैंने यूज किए हुए हैं, मैंने इसको वॉश नहीं किया. गाइस, क्वालिटी की बात करूं तो ओके काइंड है, क्योंकि अगर आप बिगनर हो या फिर आपको थोड़ा बहुत मेकअप आता है, आप प्रो काइंड ऑफ नहीं हो, आप हाई एंड ब्रांड में नहीं जा सकते हो, तो बेस्ट है. सो मैं भी अब आजकल आई मेकअप सीख रही हूँ, सो मैंने ये ब्रशेज ऑर्डर किए थे, बहुत पहले किए थे, अब ट्राई कर रही हूँ, यूज कर रही हूँ इनको. ठीक है, ब्लैक एंड कलर में है. इसमें आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आपको कैसे मतलब कितने रेंज का चाहिए. सो मैंने 24 वाला लिया था बिकॉज मुझे लगा कि इसमें सारे ही मेकअप ब्रशेज आ जाएंगे. सो मोस्टली जो मुझे चाहिए, मेरे पास फेस ब्रशेज थे पहले, आई के ब्रशेज मेरे पास ज्यादा थे नहीं, सो मैंने ये वाला चूज किया था. ठीक है, इसका प्राइस मैंने बता दिया 395 रुपीज. ओके, सो सेकेंड, या मैं रैंडम उठा रही हूँ, है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले किचन का ही सिर्फ दिखाऊंगी या, है ना. ठीक है, सो अब किचन का देख लेते हैं, मेरे पास अभी किचन का पूरा आ गया. सो मैंने किचन वाले से, सो मैंने किचन आइटम से जो फर्स्ट ऑर्डर किया था गिर गई. ठीक है, यही दिखा देती हूँ. सो ये जो सीलिंग बैग वाले होते हैं ना क्लिप, वो लिए थे. सो इसमें से इसमें मिक्स भी होंगे आई थिंक जो. ओके, सो गाइस ये वाले ना मैंने सबसे पहले क्लब फैक्ट्री से ऑर्डर किए थे,
और अगर क्लब फैक्ट्री और इसकी कंपैरिजन करें क्वालिटी की, तो मुझे क्लब फैक्ट्री वाले ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू मीशो के। सो ये मुझे 18 पीस मिले थे एंड इसका प्राइस था 98 रुपीज। सो मैंने 3 डिफरेंट साइजेस में मिल रहे हैं। सेम एग्जैक्टली यही चीज मैंने क्लब फैक्ट्री से भी ऑर्डर की थी बहुत टाइम पहले, अभी तो क्लब फैक्ट्री है ही नहीं है ना। अब वाले जो मिले ना उसकी प्लास्टिक की क्वालिटी भी ज्यादा खास नहीं है एंड ना उसमें अभी वाले में पता क्या दिक्कत है, इसको बंद करने की कोशिश करते हैं ना, अभी तो हो गया पहले नहीं हो रहा था ठीक है, तो इसको बंद करने की मैं काफी कोशिश कर रही थी फर्स्ट डे जब आया था, ये बिल्कुल बंद नहीं हो रहा था, अभी तो यार बेसी करा रहा है, पता नहीं कैमरे के सामने देखते आ गए। 98 रुपीज का था सो चलो ठीक है ले लिया है ना। सो गाइस ओके सो जब नेक्स्ट मैंने आइटम परचेज किया था वो है अपमपत्रा, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ ठीक है, अगर कर रही हूँ तो थोड़ा 19 से देख लियो। खाने में बहुत यमी होते हैं, मैंने बहुत बार बना लिए हैं, खा भी लिए हैं ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके का होता है गाइज, माइंड मत करना, अभी अभी जस्ट मैंने बनाया था तो थोड़ा गंदा है, मैंने धोने का कष्ट नहीं किया और मुझे लगा ठीक है अभी दिखाना है आप लोगों से, क्या शर्माना है ना ठीक है। सो थोड़ा वीडियो लिए उसको इग्नोर करना। यहाँ पे आपको 12 का सेट मिलता है यानी एक बारी में आप 12 अप्पम बना सकते हो। और एक चीज जिससे मुझे डिसअपॉइंटेड हुआ था ना वो ये कि इसको जिस दिन मैंने लाया था, मतलब जिस दिन इसमें मैंने बनाया था उसी दिन इसका जो ये कलर देख रहे हो पीछे ये फेड हो गया ठीक है, ब्राउन देख रहे हो रेड कलर का, ब्राउन कलर हो गया। एंड ऐसा ही इसके जो ढक्कन है उस पर भी यही चीज हुई थी, ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ना आपको, ये अब बर्तन ना धोने की वजह से दाग नहीं है, ये इसका दाग है कि जिस दिन मैंने इसको बनाया उसी दिन इसका कलर फेड हो गया। सो मुझे ये चीज डिसअपॉइंटेड लगी, यहाँ पे भी ये थोड़ा थोड़ा उतर गया है। सो और ये मुझे स्पैचुला मिला था, स्पैचुला क्या है, लकड़ी का डंडा, मतलब क्योंकि वो गर्म होता है ना अंदर से तो उसको ऐसे ना ऐसे पलटने के लिए, बट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ओके सो नेक्स्ट है कुशन कवर। सो उसके लिए आपको थोड़ा अलग जाना होगा, लिए हमारे सोफे के लिए मुझे कुशन कवर चाहिए थे तो मुझे इसका प्रिंट अच्छा लग रहा था सो मैंने ये वाले ऑर्डर कर दिए। दिखाती हूँ आपको, 16x16 है बट हमारा पिलो जो है वो सोफे के इससे ज्यादा बड़े हैं सो ये उसमें आए ही नहीं, बट मेरी मम्मा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया गाइस, इसका जो फैब्रिक है मेरी मम्मा ने देखते ही रिजेक्ट कर दिया था, बट फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई कर लेते, अभी ऑर्डर कर दिया तो अभी क्या कैंसिल करना, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है एक बार लगा के देखते हैं मे बी अच्छे लगे, क्योंकि मुझे प्रिंट्स इसके अच्छे लग रहे थे देखो आप, बट फैब्रिक की क्वालिटी तो यार मेरी मम्मा को बिल्कुल पसंद नहीं है ठीक है। यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको चैन मिल जाती है, प्रिंट अच्छे थे सब में, आपको अलग अलग प्रिंट मिल जाएंगे, मैं यहाँ पे फोटो दिखा दूंगी आपको, स्लिपरी सा नहीं होता वैसा सा है एंड स्टिचिंग भी बहुत घटिया कर रखी है इन्होंने, यहाँ से आप देख सकते हो जिप भी बाहर है। सेट ऑफ 5 है, इसका प्राइस है 295 रुपीज, इसमें आपको और भी वेराइटीज वगैरह मिल जाएंगे, मतलब प्रिंट और भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने लिया है वो है ये बैग, सो ये ब्राउनिश कलर में बैग है, बैकपैक काइंड जो भी ठीक है, तो यहाँ से ये इसको ओपन करना होगा ठीक है। सो इतनी इसकी कैपेसिटी है एंड यहाँ पे आपको एक और चैन मिल जाती है अंदर। सो अंदर वाला जो फैब्रिक की बात करें तो अंदर वाला फैब्रिक मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन प्राइस की बात करें तो प्राइस रेंज में ठीक है, 277 में ठीक है ना। ओके सो अंदर सिर्फ आपको एक कंपार्टमेंट मिलता है एंड एक चैन मिल जाती है, एंड बाहर की बात करें सो एक यहाँ पे पॉकेट मिलती है, एक यहाँ पे पॉकेट मिल जाती है एंड दो साइड्स पे मिलती है ठीक है। सो ओवरऑल ठीक है, क्वालिटी मुझे ठीक लगी, बस अंदर वाला फैब्रिक पे अगर ये थोड़ा सा ध्यान देते तो यह बेस्ट होता, मैं और भी कलर्स अवेलेबल थे बट मुझे ये ठीक लगा सो मैंने ये चूज कर लिया, बिकॉज डार्क कलर है तो गंदा होगा तो पता नहीं चलेगा, लाइट कलर लो और गंदा हो जाए तो फिर जब मैंने एक पहले क्लोथिंग हॉल शेयर किया था ना उस टाइम तक ये प्रोडक्ट मेरे पास मिला नहीं था, मुझे रिसीव नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि अभी अगले का वेट करना कि कब मैं और कपड़े लूंगी और उनके साथ इसको दिखाऊं, मुझे लगा रैंडम की चीज दिखाई नहीं हो तो अभी और दिखा देती हूँ। सो ये है प्लाजो सेट ठीक है, अभी अच्छे से कैसे दिखाऊं तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूंगी मैं कि ये कैसा दिखता है ठीक है। सो यहाँ पे आपको आगे की तरफ जो चैन होती है उसकी जगह पे इस तरीके से बटन्स दिए हुए हैं एंड ये फेक नहीं है,
ये एक्चुअल में बटन है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। सो ये आगे से इस तरीके से स्ट्रेट काइंड ऑफ है, ऊपर बेल्ट नीचे पीछे की तरफ इस तरीके से इलास्टिक लगा रखा है। एंड आपको फ्रंट में दो पॉकेट्स भी मिल जाती हैं, पीछे नहीं मिलती हैं, बट कोई बात नहीं, ठीक है। सो ये प्लाजो काइंड ऑफ है, यानी नीचे जाकर ये ओपन सा हो जाता है, लूज काइंड ऑफ, ठीक है, जीन्स के फैब्रिक में है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको इस तरीके से क्या बोलते हैं इसको, मोती भी लगाकर दिए हुए हैं। इन्होंने जो मोती लगाकर दिए हैं इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसको लगाया ही ढंग से नहीं है। जब भी मेरे को रिसीव हुआ था ना, तब इनमें से एक वाली साइड से ना मोती ही निकला हुआ था, तो वो मैंने रख लिया कि ठीक है ये रहा, यहां से मोती निकला हुआ है, बट ठीक है अभी क्या पता चलेगा, है ना, एक मोती निकला है तो। इसका प्राइस है 313 रुपए, एंड इसमें मेरा साइज है 28, एंड ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। ये वैसे मैंने 28 साइज लिया था, लेकिन ये मुझे लूज है, मतलब कि पीछे इलास्टिक है ना, तो जब मैं इसको वेयर करूँ ना तो ये थोड़ा खींचना चाहिए, बल्कि मैं इसको ऐसे ही वेयर कर सकती हूँ, एंड मतलब इसको आगे वाली चीज़ों को मुझे ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती फर्स्ट, एंड सेकेंड मुझे बेल्ट लगाने की जरूरत होती है इसके साथ, एंड गेस व्हाट, इसमें बेल्ट वगैरह के लिए हुक भी नहीं दे रखे हैं। मैंने अपम दिखाया था ना, वो इस तरीके के कार्डबोर्ड के डब्बे में आया था। एक चीज मुझे जस्ट अभी रिसीव हुई है, सो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं यही सोच रही थी कि नहीं तो बाद में वेट करना पड़ता है। तो ये है वॉल पेंटिंग, एंड जैसे ही मैंने देखा मुझे बहुत अच्छी लगी। सो इसका प्राइस है 170 रुपीज, एंड इसमें मुझे 3 रिसीव हुए हैं इस तरीके से। तो फर्स्ट है ये डिजाइन, एंड ये है सेकेंड, और ये है थर्ड, ठीक है। सो ये गत्ते का होता है, जो मतलब गत्ता ही है ये, उसके ऊपर इन्होंने चिपकाया हुआ है, आई डोंट नो, चिपकाया ही होगा कुछ, और इसके पीछे ना आपको ये वॉल के साथ स्टिक करने के लिए डबल साइडेड टेप साथ में लगा कर दी हुई है। सो बेसिकली आपको बस इसको हटाना है, एंड जहां पे भी इसको स्टिक करना है वहां पे आप अपने अकॉर्डिंग इसको लगा सकते हो। अच्छा, मैंने ये वाला डिजाइन चूज किए थे, इसमें और भी डिजाइन है, सो लेट्स सी कि मैं दूर में सोच रही हूँ कुछ वॉल पे बड़ा करने का, बिकॉज 3 तो बहुत कम हो जाएंगे, है ना, ज्यादा जगह लेंगे नहीं, तो मुझे मैं सोच रही हूँ 3 और कुछ और डिजाइन ले लूँ, या फिर यही देखते हैं, फिर 6 हो जाएगा तो थोड़ा दीवार भरी भरी लगेगी। एंड गाइस, सारे प्रोडक्ट के जो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, आपको पसंद आई होगी, तो इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि नेक्स्ट आप होल किस चीज पे देखना चाहते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चिल्ड्रन बाय, टेक केयर।